कुछ खाना है तो पूछ लो, अनिताभ देवी की भाई कुछ खाना है, कुछ पीना है, सवारी बैठना है, किसी से मिलना है, बताओ। वो चुरा कर तू वाले जालन हमें पाता ले लाया Thank you.
यहाँ कोई नहीं आएगा यार, आज तभी मैं आ गया। चाकल पंपापुर बलिया कवर वो हनुमान नाम का हाजिर है। मेरे होते हुए भगवान का बलि चढ़ाना चाहता है, मेरा पता नहीं तो गए मेरे, चल सामने। तू यहाँ भी आ गया, तू मुझे नहीं जानता है, मुझे सारा संसार जानता है, मेरा नाम अहिरा है। तू यहाँ आ गया तो अब बच कर नहीं जाएगा। किसने मारा है? महाराज श्री हनुमान ने। हनुमान
चाहिए। अशोक कुमार आशीष कश्यप जी 11 रुपए, मिलन कश्यप जी 11 रुपए, विष्णु कश्यप जी 11 रुपए, ललित कश्यप जी 11 रुपए, अमित कश्यप जी 11 रुपए, हरिओम कश्यप जी 11 रुपए, सचिन कश्यप जी 11 रुपए, दीपक कश्यप जी 11 रुपए, ओम प्रकाश कश्यप जी 11 रुपए। पांचवी बार जो है ये कुनार वाले भगवान के चरण में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। अशोक कुमार यूपी से 21 रुपए, टोनी पास 11 रुपए, सुरेंद्र जी 21 रुपए कल को दान देते हैं, बड़ी बहुत धन्यवाद। उतारा है मुझे उनके सवाल नहीं समझ रहा। यहाँ पर भी रावण कुंभकर्ण हो, ये तेरा दूसरा जन्म है।
यहाँ पर ही रावण कुंभकर्ण है, तूने मुझसे बैर किया, मरकर के मेरे हाथों से रुपये बैकुंठ में बैठ गया। अब रहा तीसरा जंग तेरा, सुन द्वापर युग कब आएगा, कुंभकर्ण होगा पक्कतंत्र तू शिशुपाल कहेगा। मैं वहां देवी की शुद्ध होकर नंद गृह में आऊंगा, नंद लाला में कृष्ण मनाई रिश्ता सुत कहलाऊंगा। तू वहां दुष्ट कंस होकर और मुझसे बैर बढ़ाएगा, मरकर के मेरे हाथों से मेरे बैकुंठ में जाएगा। हम सदा ही धर्म की जय करते, अधर्म को जग से हटते हैं, तो जैसे कितने पापी संसार संग से जाते। सीता हलाहल शहर का प्याला
नहीं सकता, भेद दबिश तुकर खोलो दिया तो रावण बच नहीं सकता। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मरने से पहले इसे समाप्त कर देता हूँ। है कुछ मसीह के मन में तो बच गए, पर अब तू नहीं बच सकता। सरकार जिंदो हो तो पैसा दे ही दे। लंकेश प्रणाम। कल्याण कौन? लक्ष्मण। पीछे की बात करो, कल पड़ेंगे कि नदी पड़ेगी। कहो किस लिए आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राज तुम्हें करना है, तुम्हारे भाई को करना है? हमारे भाई बड़े श्री राम को करना है। तो नहीं भेजना।
चल घर से यहाँ से हमको यारो सरदार बड़ा मेहमान प्रणाम प्रसन्न रहो आओ श्रीराम लौटा नहीं ब्राजो भगवान कहो राम किस लिए आए हो एवं कुछ राजनीति सीखने के लिए तो ये कोई राजनीति सीखने की जगह नहीं है अगर तुम्हें मेरे से राजनीति ग्रहण करनी थी तो मेरे पास लंका में आते और राजनीति पूछते ये तो युद्धभूमि है रावण पहले समय नहीं था सुनो राम राजनीति तो साम दाम दंड भेद चार नीतियां राजा के पास निवास करती है और सबसे पहली राजनीति है आप अपना धनुष बाण मुझे दो ये धनुष किसका है हमारा और मैं आपका कौन हूं दुश्मन सबसे पहली राजनीति है अपना हथियार कभी दुश्मन के हाथ नहीं देना चाहिए नहीं इस तरह से जाना चाहिए जैसे आप मेरे पास आ गए हथियार ये नहीं जानता मैं किसका हूं अपने स्वामी का नाम नहीं जानता हथियार उसका होता है जिसके हाथ में होता है अगर मैं चाहूं तो आपके हथियार से आपको प्रवास कर सकता हूं आप मुझे रोक सकते हो नहीं और साम दाम दंड भेद चार नीतियां राजा के पास रहती हैं आपने राजनीति पूछी है धर्म नीति मेरे से नहीं पूछी जो राम हर प्राणी के काम आती है धर्म नीति में कहा गया है शुभ काम अगर किसी की नजरों में किसी के दिमाग में कोई आया हो तो उसे शीघ्र कर देना चाहिए ऐसा कहते हैं कल करे जो आज करे आज करे जो अब और मैं प्रलय होगी फिर करेगा कल अच्छा काम किसी के दिमाग में आए तो उसे शीघ्र कर देना चाहिए पीछे को नहीं टालना चाहिए जिस समय में लंका का राजा हुआ था तो मेरे दिमाग में दो चार बार धर्म नीति की आई थी अच्छे काम आए थे लेकिन कल के लिए टालते हुए मैं एक भी काम को पूरा नहीं कर सका मैंने सबसे पहले सोचा था मैं लंका में क्षीर सिंध को लाऊंगा लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर को लंका में ले आऊंगा सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंध को लाऊंगा और सोचा था श्रीलंका जाने को सीढ़ी पर लाऊंगा लेकिन कल कर दूंगा दूसरा काम मैंने सोचा था मैं पिता से पहले पुत्र को नहीं मरने दूंगा अगर किसी बुद्धे बाप के सामने जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस बुद्धे बाप से पूछो उसकी आत्मा से क्या गुजरती है मैंने सोचा था मैं बाप से पहले कभी बेटे को नहीं मरने दूंगा और मैं जो चाहता वो कर देता 33 को देवता मेरे यहां कैद में पड़े सिर ढूंढते हैं काल मेरी पार्टी से बना है लेकिन मेरे से पहले ही मेरे सारे के सारे पुत्र समाप्त हो गए और मैं नहीं रोक सका अगर मैं कल के लिए नहीं टालता तो सब काम को जो चाहता वो कर देता लेकिन भूल गया कल कर दूंगा मैंने सोचा था राम मैं सोने में सुगंध ही कर दूंगा सोना कितनी अच्छी वस्तु है जो हर प्राणी के काम आती है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है मैंने सोचा था मैं सोने में सुगंध कर दूंगा अग्नि ने धुएं को नहीं छोड़ूंगा अग्नि तत्व प्राणी के जन्म लेते के और मरने तक के काम आता है लेकिन धुआं उसे खराब कर देता है मैंने सोचा था मैं अग्नि में धुएं को नहीं छोड़ूंगा जल के ऊपर काई को नहीं छोड़ूंगा देवता तो मैं कहता वो करते लेकिन खल कर दूंगा ऐसा कहकर के अच्छे कामों को मैं टालता रहा और बुरा काम दुनिया की नजरों में जो मेरे दिमाग में आया उसे शीघ्र कर दिया सूफन खान ने मेरे से कहा भैया दो राजकुमार आए हैं उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए मैं मारीच के पास गया मारीच ने मुझे समझाया लेकिन मैंने उसे धमका के सोने का मृत बना के भेज दिया और सीता का हरण करके ले आया